तो नमस्कार, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी न्यूज आई है और इसको लेकर BSNL EU जो यूनियन है वह इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और इस मुद्दे को लेकर फिर से एक बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर BSNL यूनियन जो है फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और अपनी मांग को नहीं मानने पर BSNL प्रबंधन जो है उसके आगे फिर से बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन होगी और उसके लिए चुनौती होगी इस मामले को सुलटाना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये बिग इम्पोर्टेंट न्यूज। दिनांक 17/2/2021 को मान्य केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव के IDA को स्थगित करना गलत था और आदेश दिया कि बकाया IDA का भुगतान उन्हें किया जाना चाहिए। इस आदेश को दिए हुए पहले से ही 12 महीना हो चुके हैं। दिनांक 2/8/2021 को DPE ने 1/10/2020, 1/1/2021 और 1/4/2021 से IDA वृद्धि की दरों की घोषणा की है। DPE द्वारा आदेश जारी करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि CMD BSNL द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव को IDA बकाया के भुगतान में जानबूझकर देरी की जा रही है। इसके अलावा प्रबंधन पदोन्नति के मामले में नॉन एग्जीक्यूटिव के साथ भेदभाव कर रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए दिनांक 31/1/2020 के रूप में मौजूद रिक्त पदों की गिनती करते हुए पदोन्नति दी जाती है। हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव के मामले में प्रबंधन ने JTO, JEE और TT के कैडरों में अधिकतम पदों को समाप्त कर दिया है जो दिनांक 31/1/2020 को तक मौजूद थे। यह पुनर्गठन के नाम पर किया गया है। अब JTO LIC की घोषणा की गई है, लेकिन 12 सर्किलों में एक भी रिक्त पद नहीं है। 4 सर्किल में सिर्फ सिंगल डिजिट में वैकेंसी है। JEE LIC और TT LIC में भी यही हाल होने जा रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो BSNL एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि उनका प्रमोशन रुक जाएगा, उनके भविष्य खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा प्रबंधन JEE भर्ती नियमों में कड़ी शर्त लगा रहा है ताकि कोई भी सीनियर टोआ JEE ना बन सके। साथ ही ई ऑफिस सिस्टम में नॉन एग्जीक्यूटिव को साइडलाइन किया जा रहा है। सीनियर टोआ को पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। निदेशक द्वारा दिया गया आश्वासन सीनियर टोआ के 20% को ई ऑफिस में पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि अब तक लागू नहीं किया गया है। प्रबंधन बोलता है लेकिन उसको लागू नहीं करता है। BSNL प्रबंधन का ये हाल है। BSNL EU की अखिल भारतीय केंद्र की बैठक दिनांक 18/2/2022 को आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 24/2/2022 को बड़े पैमाने पर दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शनों का आयोजन करने का आह्वान किया गया है। CHQ सर्कल और यूनियन जिला यूनियनों को अधिकतम लामबंदी करने और दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शनों को सफल बनाने का आह्वान करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, BSNL कर्मचारी के बीच शेयर कीजिए और इसमें प्रदर्शन में अधिकतम लोगों को भाग लेना चाहिए। यदि आप भाग नहीं लेते हैं तो प्रबंधन आपकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24/2/2022 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का सफल आयोजन करें ताकि आपके हित में फायदा हो सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।